तो देश भर में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है, लेकिन मानसून अभी भी पूरी तरीके से सक्रिय है। वहीं कई इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश ने रौद्र रूप ले रखा है और मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत तक भारी बारिश की संभावना जताई है। आज भी कई राज्यों में सुबह से ही बारिश जारी है और देश भर के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, यूपी और बिहार के जिलों में भी बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, केकड़ी और में जो है भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही लगातार बारिश है और इसी बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और वही आईएमडी ने जो है राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार राजधानी में भी सुबह से बारिश जारी है और 3-4 दिनों से ही यह बारिश देखी जा रही है। बारिश को लेकर जो है राजधानी में जगह जगह जलभराव की स्थिति भी हो गई और ऐसे में लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आगे भी जो है मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो कई राज्यों में भी आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमंत, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? लगातार जो है 3-4 दिनों से राजधानी में भी बारिश देखी जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल ऋतु जी, राजस्थान के अंदर बारिश का दौर लगातार कई दिनों से जारी है और राजधानी जयपुर में भी लगातार 4-5 दिन से जो है रुक रुक कर जो है दिन भर बारिश का दौर जारी है। वो आज शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो है आने वाले 2-3 दिन में कहीं कहीं और भारी बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ऐसा होने वाला है और ये सिस्टम जो है मानसून की ट्रफ लाइन जो है वो ऊपर से गुजर रही है। तो ऐसे में आज राजस्थान के जो है 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, वहीं 17 जिलों में येलो अलर्ट है। जयपुर में भी सुबह से लगातार बारिश जारी है। वहीं राजस्थान में 24 घंटों की बात की जाए तो अजमेर, अलवर, गंगानगर, बीकानेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झुंझुनू, जालौर, नागौर, सीकर के कई हिस्सों में जो है बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में फलोदी के आऊ में 90 mm बारिश है, राजस्थान में सर्वाधिक दर्ज की गई। इसके अलावा अजमेर के अराई में 27 mm, अलवर के रामगढ़ में 55 mm, इस तरीके से बारिश जो है दर्ज की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो सीजन में इस बार राजस्थान में अब तक +38% जो है बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के अंदर जो है आज जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उसमें 12 बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और टोंक जिले शामिल है। वहीं येलो अलर्ट जो है राजस्थान के करीब 17 जिले हैं, जिसमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्री गंगानगर समेत ये जिले हैं जहां पर जो है आज येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 11 अगस्त को भी जो है कुछ जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, वहीं कुछ जिलों में येलो अलर्ट है। इसके अलावा 12 अगस्त और 13 अगस्त को भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। जी ऋतु जी, जी हनुमान, जहां जहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, राजस्थान के जहां जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा है, वहां पर क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर? क्या सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कुछ मदद दी जा रही है? राजस्थान के कुछ जिले हैं जहां पर ज्यादा बारिश के चलते कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो वहां पर जो है राज्य प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और वहां से जो पानी से लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा वहां पर जो है प्रशासन लगातार अलर्ट रखे नजर बनाए रखे हुए हैं कि बारिश का पानी कई इलाकों में जहां पर है वहां पर लोगों को जो है वहां से निकाला जाए। तो कुछ जिले हैं जहां पर कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है, खेतों में भी पानी भरा हुआ है, बांधों में भी लगातार पानी की आवक जारी है। राजस्थान में इस बार बारिश का मानसून है वो लगातार अभी भी सक्रिय है। जी बिल्कुल जी हनुमंत, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से आगे के लिए अपडेट जारी किया गया है? क्या आगे भी अभी भी जो है कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश जारी रहेगी? मौसम विभाग ने फिलहाल कहा है कि 2-3 दिन और तेज और भारी बारिश राजस्थान के अंदर होगी, तो जिसमें राजस्थान
के अंदर आने वाले 3 दिन में और ये बारिश देखने को मिल सकती है, और कई जिलों में भारी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने फिलहाल जताई है। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर ये बारिश का दौर है वो आने वाले 2-3 दिन तक और जारी रहेगा। जी हनुमंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी राजधानी में जो है लगातार बारिश जारी है, और ऐसे में कई जगह जो है जलभराव की स्थिति भी हो गई है, और मौसम विभाग ने जो है कई जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया है, तो कई रेड अलर्ट जारी किया है भारी बारिश को लेकर। और ऐसे में आगामी 3-4 दिनों तक ऐसा ही जो है बारिश की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी जयपुर में भी लगातार सुबह से बारिश जारी है, और कई 1-2 दिनों से भी यही बारिश देखी जा रही है, और आगामी अगले 2-3 दिनों तक भी ऐसी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग की ओर से लगातार मौसम को लेकर, भारी बारिश को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है। साथ ही आज 24 घंटे के दौरान जो है कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम को लेकर लगातार जो है आईएमडी की ओर से अपडेट जारी किया जा रहा है, और ऐसे में अगले 24 घंटों तक मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार जहां जहां पर जलभराव की स्थिति है वहां पर जो है प्रशासन, नगर निगम की ओर से लगातार कार्य भी किया जा रहा है, और ऐसे में लोगों को हिदायत भी दी गई है कि जरूरी काम होने पर ही अपने घर से निकले। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ मौसम को लेकर अपडेट जारी किया गया है? बिल्कुल रितु सैनी, बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले सहित खानपुर उपखंड क्षेत्र में बारिश का मौसम जो है लगातार जारी है। कल की अगर बात की जाए तो कल भी खानपुर उपखंड क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश हुई, जिसके चलते जो है सड़कें जो है दरिया बन गई है। वहीं आज भी जो है मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते जो है जो यहाँ के नदी नाले जो है उफान पर है। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कुछ दिनों पूर्व कालीसिंध के 4 गेट लगभग 5 फीट खोलकर लगभग 5,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी, जिसके चलते गागरौन की जो वो पुलिया थी वो उस पर चादर चलने लग गई थी। साथ ही पुलिया पे रपट में जो है बाइक सवार 3 जने बह गए थे, जिनकी मौत हो गई थी। बारिश के चलते लगातार जो है प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो जो नदियों के पास ना जाए और पुलिया को जो है पार ना करें। जी ऋतुश्री, जी सुनील, मैं साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का भी हाल जानना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे में फसलें भी जो है किसानों की बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है वहां को लेकर? मौसम की फसलों की बात करें जो मौसम हालांकि फसलों के लिए अनुकूल बना हुआ है। खानपुर उपखंड क्षेत्र की बात करें तो खानपुर उपखंड क्षेत्र में हालांकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, क्योंकि धान का क्षेत्र माना जाता है, धान की फसलों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में जो है गिर रहा है और उसके लिए जो है फायदे बताई गई है। जी ऋतुश्री, जी सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।